Good evening. Let us start our program. I am Dr. Mohammad Rafiq Farooqi in the Great Talk. Today we have invited the Honorable Chairman of Knowledge Group Anand, Shri Rajesh Chauhan sir. I would like to heartily welcome Shri Rajesh Chauhan sir in our program. Today we are going to talk about education during COVID-19. सबसे पहले मैं सर आपको हार्टली वेलकम करता हूँ वंस अगेन. थैंक यू वेरी मच. आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए निकाला, हमारे व्यूवर्स के लिए निकाला, उसके लिए हम आपका खूब खूब धन्यवाद करते हैं. वंस अगेन थैंक यू. मोस्ट वेलकम सर. न कि आनंद में बल्कि पूरे गुजरात में सबको पता है कि आपका जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, नॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है. सही बात है सर. इसके बारे में मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप अपने बारे में और अपने ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ बताइए. पहले तो हमने 2007 में नडियाद में हमारी स्कूल की शुरुआत की थी. उससे पहले बेसिकली मैं ट्यूशन क्लासेस चला रहा था. 2014 से हमने आनंद में विद्यानगर और करमसद दोनों जगह पे हमने आनंद में एक नई ब्रांच स्टार्ट की. करीबन 5 साल से हम आनंद में स्कूल चला रहे हैं. करीबन 5 साल से हमने आनंद में इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसका नाम काइट है, नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, नर्सिंग कॉलेज जिसमें बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम नर्सिंग है, नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरापी एंड एम्स होटल मैनेजमेंट कॉलेज. अभी 5 साल से हम आनंद में 2 स्कूल और करीबन 4 कॉलेज हम चला रहे हैं. इसी साल से हमने खंभात में एक स्टैंडर्ड 1-12 गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम बोथ हमने नई स्कूल की शुरुआत की है. हमने खंभात में वो भी इसी साल से हमने की है. मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच. ऑलराइट, जहाँ तक हम बात करें ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की, जैसे आपने बात करी कि हॉस्पिटैलिटी से लेके इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल साइंस तक आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं? इतना सारा टाइट शेड्यूल आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं? करीबन मैं तो जो नॉलेज कैंपस आनंद है उसका चेयरपर्सन हूँ, और करीबन यहाँ पे 400 के बिल्कुल नज़दीक टोटल स्टाफ यहाँ पे है आनंद में हमारे, और हमारे साथ करीबन 3-4 और डायरेक्टर्स भी है. मिस्टर केडी सर जो स्कूल देखते हैं, श्रुति पटेल वो भी स्कूल देखते हैं, मिस्टर रिपन सोनी, जस्टिन चौहान वो कॉलेज देखते हैं,
जो भी हमें काम करना है वो हमारी जो कोर कमिटी की टीम है वो हम बैठ के डिसाइड करते हैं, सोच लेते हैं। सब कॉलेज के सब स्कूल के प्रिंसिपल भी है, वो भी हम करीबन महीने में 2-3 बार मीटिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि क्या काम करना है। बेसिकली हमारा गोल तो स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़ाई करे, वो आगे जाके भारत का बेस्ट नागरिक बने, बराबर वही हमारा बेसिकली एम है। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट होते हैं, कई उनको ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको हमें बहुत मेहनत करवानी पड़ती है। हम जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनकी एक अलग थीम बनवाते हैं, और जो जिन स्टूडेंट को काफ़ी मेहनत करनी होती है उनके लिए एक अलग थीम बनाते हैं, और जो थीम बनती है बराबर वो हमारे डायरेक्टर्स है, हमारे प्रिंसिपल है, हम सब बैठ के पूरा तय करते हैं, और उसके बाद हम ये सब हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग में उनको पूरी तरह समझाते हैं, और बाद में हम उसको आगे ले जाते हैं। परफेक्ट। तो मतलब पूरी टीम मैनेजमेंट जो है वो ये डिसाइड करती है कि किस ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए क्या थीम हो, और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं या जिन पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनके लिए अलग थीम होती है। राइट। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं एजुकेशन के साथ साथ, जैसे आपने कहा था शुरुआत में एक कोचिंग सेंटर से आपने स्टार्ट करके अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आप चलाते हैं, तो ये सब करने के लिए एक इंस्पिरेशन होती है, एक प्रेरणा मिलती है, वो आपको कहाँ से मिलती है? बेसिकली वैसे तो एक सच्ची बात बताऊँ तो मैं बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, तो जब हम लोग पढ़ते थे तो जो हमारी किताबें होती थी बराबर, उसमें जो हमारे फ्रीडम फाइटर है बराबर, उनके बारे में हमें हमारे टीचर पढ़ाया करते थे। तो बेसिकली मैं ये बताऊं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है, हमारे बापू पूज्य महात्मा गांधी जी है बराबर जी, वही मेरे रोल मॉडल है। करेक्ट। मुझे जो प्रेरणा मिली है वहीं से मिली है, क्योंकि मैं सुबह में 7 बजे से रात को 8-9 बजे तक काम करता हूँ। ओके। ये सब देखना होता है, सब को मिलना होता है, सब बच्चे की और सब पेरेंट्स की जो भी कोई प्रॉब्लम्स है वो हम सुनते हैं, उसको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली मेरे तो ये दोनों ही रोल मॉडल है। करेक्ट। और मुझे जो कोई प्रेरणा मिली है इन दोनों से ही मिली है। करेक्ट। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि इतनी सारी जो अचीवमेंट्स आपने की, इतनी सारी जो रिकॉग्निशंस आपको मिली, साथ साथ में कभी ऐसे भी चैलेंजेस आते हैं, तो मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ COVID-19 की। राइट। आपका जैसा रिनाउंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आपको COVID-19 में किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा? वैसे सच्ची में बताऊँ तो ये बहुत ही दुखदायक बाबत है जी, बात है कि ये कोविड वाला जो टॉपिक है। करीबन मैं एक शादी में बैठा था और उसी टाइम पे हमें पता चला कि कोविड के कारण स्कूल में अब स्कूल में बच्चे नहीं आ पाएंगे, हमें ब्रेक करना पड़ेगा, और जब तक गवर्नमेंट बताती नहीं है तब तक हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो कोई गाइडलाइन हमें मिली नहीं थी। तो उस रात मैं बैठा सोचा, और जिस तरह से ये कोरोना बढ़ रहा था तो उसी दिन करीबन मुझे पता था कि वो 15 मार्च का टाइम था, 15 मार्च 2020, उसी टाइम मैंने सोचा कि ये लंबा चलेगा, अगर कुछ सही तरीके से बच्चों को हमने एजुकेशन नहीं दिया तो आने वाले फ्यूचर में ये बहुत ही बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात बन जाएगी। तो उसी टाइम मैंने जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उन लोगों से व्हाट्सएप के माध्यम से हमने कॉन कॉल किया,
और सबको मैंने बताया कि ये लंबा चलेगा, मुझे नहीं लगता कि ये दिवाली तक फिर से स्कूल स्टार्ट हो पाएगी। और मैंने उन लोगों को बताया कि हमें कुछ भी करके हमारा एजुकेशन रोकना नहीं है, बच्चों को जो एजुकेशन मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए। करेक्ट। तो फिर मैंने तुरंत ये डिसीजन ले लिया कि जो हमारे स्टाफ मेंबर है वो स्टाफ मेंबर को हम पहले तो थोड़ा ट्रेन करते हैं। तो उन लोगों को हमने बुलाया एक दिन स्कूल में जी। फिर उनके मोबाइल से ही, वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, उनके मोबाइल से एक टीचर और सामने स्टैंड के साथ खड़ा रहता था, और टीचर के मोबाइल में ही जो टीचर पढ़ाते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते थे हम लोग। बाद में हम उसको कंट्रोल रूम में एडिट के लिए भेजते थे, वहाँ पे सब एडिट होता था, जो जो पार्ट में हमें निकालना पड़ेगा तो हम निकाल देंगे, जिसको अगर कुछ शूट अच्छी तरह से नहीं हुआ है तो उसको रीशूट करेंगे और उसको ऐड करेंगे। सो एडिटिंग का एक और पार्ट हमने, एक विभाग हमने चालू किया जी। ये सब जो चलता था सब टीचर को हमने ट्रेनिंग दिया दो दिन तक। ओके। और पूरे गुजरात में ऑनलाइन एजुकेशन सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था। वाओ। 15 मार्च से स्कूल बंद हुआ था, हमने 17 मार्च 2020 को बराबर हमारा पहला सेशन स्टार्ट कर दिया था, जबकि करीबन 75 डेज का हमारे श्रद्धेय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टेप लिया था और पूरे देश में लॉकडाउन करवा दिया था, उस टाइम पे भी मैंने जो हमारे स्टाफ मेंबर है उनसे मीटिंग ली, उनको बताया कि आपके पास घर में अगर छोटा सा बोर्ड हो बराबर, तो अगर किसी आपके सोसाइटी में कोई ट्यूशन क्लास हो बराबर, आप खुद अगर कोई क्लासेस हैंडल कर रहे हो तो वहाँ पे जाइए और अपना सिलेबस आगे आपको बढ़ाना है, आपको रिकॉर्ड करके वो वीडियो टेलीग्राम से हमें भेजना है। करेक्ट। तो 75 डेज तक हमारे 1 to 12 तक स्कूल के जो सारे टीचर थे, सभी टीचरों ने अपना अपना वीडियो, अपना अपना लेक्चर, बराबर एक लेक्चर करीबन 35-40 मिनट्स का होता था, वो उन्होंने शूट किया, हमें भेजा टेलीग्राम की मदद से। मैंने मेरे घर में ही एक कंट्रोल रूम बनवाया था, जहाँ पे कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट हमारी फैकल्टी है बराबर, वो हमारे बाजू में ही रहते थे, तो उनकी मदद ली। उन्होंने जितने भी वीडियोस आते थे टीचर के, उनको एडिट किया, एडिट करने के बाद उसको अपलोड किया। तो कई बार तो ऐसा होता था कि हमें पहला वीडियो सुबह में 8 बजे मिला होता, किसी भी स्टाफ का मिला होता, हम बराबर रात को 3-3, 4-4 बजे तक काम करते थे बराबर, तभी जाकर ये पूरे 1 to 12। अब आप सोचिए, समझिए, हम 1 to 12 का, गुजराती मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का, दोनों का स्कूल चला रहे हैं। करीबन एक स्टैंडर्ड में करीबन 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो गुजराती मीडियम के 12 क्लास, इंग्लिश मीडियम के 12 क्लास, दोनों मिला के हुए 24 क्लास बराबर। उनके सब्जेक्ट बताएं तो एक क्लास में 5 सब्जेक्ट जी बराबर, तो 24th जो क्लास हुए हमारे और 5 सब्जेक्ट, यानी कि 120 बराबर टोटल सब्जेक्ट हुए। तो हमें पर डे 120 वीडियो बनाने ही पड़ते थे, उनको एडिट भी करवाना पड़ता था और उसको हमें YouTube पर बराबर चढ़वाना भी पड़ता था बराबर। और ये सब प्रोसेस होने के बाद सुबह में बराबर सब जो टीचर थे, सब्जेक्ट टीचर, वो YouTube पे से उनका वीडियो लिंक निकालते थे बराबर। निकालने के बाद जो कोऑर्डिनेटर है हमारे,
पर हमारे 4-5 कोऑर्डिनेटर है, नेहा मैडम है, अक्षय सर है, वीरेंद्र सर है, वनराज सर है, बरब ध्रुव सर है, कौशिका मैडम है, उन लोगों को ये लोग अपनी जो YouTube लिंक है लेक्चर की वो उनको देते थे, वो लोग बराबर स्टैंडर्ड वाइज एक एक और लिंक, जैसे 5th स्टैंडर्ड है तो उसमें मैथ, साइंस, SS, इंग्लिश, संस्कृत बराबर सब इकट्ठा करते थे और उसकी एक स्टैंडर्ड की एक लिंक बनवाते थे और स्टूडेंट को भेज देते थे। तो करीबन 75 डेज हमने ये काम किया। रात के 3-3 बजे तक, रात को 3 या 4 बज जाते थे। ओहो, रात को 3 या 4 बज जाते थे। ऐसे कोई नॉलेज ग्रुप नहीं बनता है। हाँ। बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे, जब पूरा भारत बंद था ना, जब पूरा भारत बंद था जी, तब हमारी बच्चों की एजुकेशन चल रही थी। जब पूरा भारत बंद था, आपके बच्चों की एजुकेशन, हमारी बच्चों की एजुकेशन चल रही थी। तो असल में शायद यही एक प्रेरणा है आने वाले जनरेशन को भी कि डिस्पाइट ऑफ COVID-19 आप 24/7 काम कर रहे हैं। मैं जानता था और मेरा ये मानना भी है कि कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो बराबर, हमें रुकना नहीं है। करेक्ट, काम हमें करना ही है क्योंकि करीबन हाँ यहाँ पे स्कूल और कॉलेज के 5,000 बच्चे पढ़ते हैं बराबर, और सबको अगर समय पर एजुकेशन नहीं मिला बराबर, तो 10 साल के बाद जब ये बच्चे, अभी तो आप जानते हैं कि ये 1.5 साल तो ख़त्म हो गया, अभी ये बोल रहे हैं कि अगर तीसरी लहर आएगी तो और 6 महीने निकल जाएंगे। करेक्ट, जो अगर बच्चों को ये 2 साल एजुकेशन नहीं मिला बराबर और उसको प्रमोट कर दिया गया, आगे वो गया, वो पढ़ा ही नहीं है, उसको कुछ मिला ही नहीं और वो आगे चला गया, तो वो कैसा डॉक्टर बनेगा, वो कैसा इंजीनियर बनेगा बराबर। अगर वो पॉलिटिक्स में जाएगा तो वो कैसे देश चलाएगा। तो रुकना तो नहीं, मैं मुझे एक बात तो पता ही है कि रुकना नहीं है, कोई भी परिस्थिति में हमें काम तो करना ही है। एक फेमस बॉलीवुड एक्टर हुआ करते थे राज कपूर साहब, उन्होंने अपने एक स्लोगन में कहा था द शो मस्ट गो ऑन। या तो इसी तरह से आपने कहा है कि कोई भी परिस्थिति हो, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट सर, सर ये जो कोविड की आपने एंटायर स्टोरी बताई हमारे जो व्यूअर्स है और जो भी एजुकेशन से अफेक्शन रख सकते हैं, तो उनके लिए एक इंस्पिरेशन होगी कि किस तरह से वो इस चीज़ से लेसन ले कि डिस्पाइट ऑफ COVID-19 नॉलेज ग्रुप 24/7 काम कर रहा था। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये सब करने के लिए आपके जो प्रिंसिपल्स है, आपके जो आदर्श है वो क्या है, वो बताइए। मेरे आदर्श तो यही है कि गीता में भी लिखा है बराबर, मैं खुद भी मानता हूँ जी, और आपका कुरान हो या हमारा बाइबल हो जी, सब में लिखा है कि तू अपना कर्म करता जा। करेक्ट, बराबर। मैं ये जानता हूँ कि अगर मुझे जो कर्म दिया गया है, जो मेरा काम है, कर्म यानी जो मेरा काम है, करेक्ट, अगर मैं मेरा काम पूरी ढंग से अच्छी तरह से करूँगा तो ना ही मुझे चर्च में जाने की ज़रूरत है, ना ही मुझे मंदिर में जाने की ज़रूरत है, ना ही मुझे मस्जिद में जाने की ज़रूरत है। अगर मैं ढंग से अपना काम करता रहूँगा बराबर, अगर ये ठान पूरा भारत ले ले, अगर ये ठान पूरा विश्व ले ले जी बराबर, तो ये दुनिया ही स्वर्ग है। करेक्ट, और यही मेरा प्रिंसिपल है। राइट, कि जो काम मुझे सौंपा गया है बराबर, मैंने ये स्कूल और कॉलेज चालू किया है, लेकिन मुझे काम तो वो ऊपर वाले ने दिया है कि बच्चों को पढ़ाना है। ट्रू, बराबर। जब ये काम के लिए मुझे ईश्वर ने चुना है तो मुझे ये काम अच्छी तरह से करना ही चाहिए, ये मेरा कर्म है। Absolutely. बराबर, और मैं यही मानता हूँ कि मुझे मेरा काम करना चाहिए, कोई भी टाइम हो, कोई भी दिक्कत हो बराबर, अगर सब आदमी अपना कर्म करे, अच्छी तरह से करे, काम चोरी ना करे बराबर, तो ये पूरा विश्व बराबर यही स्वर्ग है। एब्सोल्युटली, दैट मींस कि आप इसमें चीज में बिलीव करते हैं कि वर्क हमें डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। राइट राइट। सर एक और बात मेरे जहन में आ रही है कि आफ्टर 5 ईयर्स नॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को आप कहाँ देखना चाहते हैं? वैसे तो मेरी छोटी लड़की है, उसने MBBS किया है, जो मेरा बड़ा लड़का है
वो अभी USA में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के बारे में वो PhD कर रहा है। मैं ये सोच रहा था कि हमारे भारत में बराबर न्यूक्लियर की कोई कॉलेज नहीं है जी, बराबर कोई अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज भारत में बी लेवल पे है ही नहीं, बराबर हमारे पूरे भारत को ये न्यूक्लियर इंजीनियर की, न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए उसके एक्सपर्ट जो है बराबर वो एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो हमारे पास नहीं है जी। तो मैं मेरा जो फ्यूचर प्लान है कि वो अपनी PhD ख़त्म कर ले, एक दो साल का एक्सपीरियंस उसको वहाँ पे मिल जाए, तो उसके बाद हम यहाँ पे भी बराबर ये न्यूक्लियर इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट करें बराबर। तो आने वाले 10 साल के बाद भारत को अच्छे न्यूक्लियर इंजीनियर मिले बराबर, और उस इंजीनियर की मदद से वो लोग अच्छी तरह से बराबर जो न्यूक्लियर एनर्जी है करेक्ट बराबर वो डेवलप कर सके। वेरी गुड। तो ये आप फ्यूचर में आप right, सोच रहे हैं। राइट राइट। हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, एक और चीज़ मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने अपनी स्ट्रैटेजीज बताई, किस तरह से अपने प्लान्स को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या लगता है आपको कि अभी जो कोरोना का थर्ड वेव मार्केट में स्प्रेड हो रही है, तो वैसे तो हम विश नहीं करते हैं, हम प्रे करते हैं ऑलमाइटी से कि इससे हमें दूरी रहे, लेकिन फिर भी इन केस अगर ये हुआ बिकॉज इट्स नेचुरल राइट, तो इसके लिए क्या तैयारी की है आपके इंस्टीट्यूशन ने? पहले तो ये तीसरे वेव से पहले मैं आपको दूसरे वेव के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जी सर। कि जब दूसरा वेव आया और जब वो पीक पे था, तो जब मैंने TV चालू किया बराबर, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी बराबर, कई बार मैंने देखा कि छोटा बच्चा एक्सपायर हो गया है और उसका बाबा है वो उसको कंधे पे रख के जा रहा है बराबर, कोई अम्मा है उसका लड़का अब उसके पास नहीं रहा, तो रिक्शों में वो उसके पैर के आगे उसके बच्चे को जुआन जो लड़का है उसको लेके जा रहे हैं बराबर, हॉस्पिटल के दरवाजे सब बंद थे। तो वो जो पिक्चर था ना वो बहुत भयानक था। एब्सोल्युटली। और मैं खुद भी अंदर से हिल गया था। सब लोग ये मानते थे कि चलो हम राजू सर से बात करेंगे तो कुछ अच्छा होगा, तो करीबन पूरे गुजरात में से मुझे कॉल आने लगे जी सर, कि मैं राजकोट से बोल रहा हूँ, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ बराबर, मुझे ये रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, यहाँ पे नहीं मिल रहा बराबर, मुझे ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही बराबर। और इतने सारे कॉल आने लगे कि मैं खुद बराबर डिप्रेशन में, ऐसा बोलूँ तो डिप्रेशन में आ गया मैं। और उसके बाद मैंने तय किया कि हमारे पास तो बहुत बड़ा अच्छा सा ये कॉलेज है, ये स्कूल है, करीबन 200 जैसे तो हमारे क्लासरूम है जी, पीछे हॉस्पिटल हॉस्टल है हमारी जी बराबर, हमारी खुद की हॉस्पिटल भी है बराबर, मेरे घर में मेरी जो भतीजी है उसने MBBS ख़त्म कर लिया है, मेरी बच्ची है उसका MBBS ख़त्म हो गया है, मेरा एक भतीजा है बराबर उसने MBBS कर लिया है, घर में 3-3 डॉक्टर हैं जी जी बराबर। अगर लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं बराबर, हम उनके लिए हमारे दरवाजे खुले कर देते हैं। ओके, तो मैंने एक मैसेज बनवाया और सब जगह पे न्यूज़पेपर वाले को, चैनल वाले को और सोशल मीडिया पे मैंने डलवा दिया कि अगर जो बंदे हैं जिनको हॉस्पिटल में बेड की और ऑक्सीजन की बहुत ताती ज़रूरियात नहीं है बराबर, जो मेडिसिन से अच्छे हो सकते हैं बराबर, तो कृपया आप लोग हॉस्पिटल में न जाइए, आप यहाँ पे हमारे पास आइए बराबर, जो हमारे डॉक्टर्स है जी वो आपको देखेंगे, आपको दवाई देंगे बराबर, आपको यहाँ अच्छा भोजन मिलेगा, और करीबन मुझे गर्व है कि करीबन 300 कोरोना के पेशेंट जी सर यहाँ पे 2 महीने में आए, और
मुझे गर्व इस बात के लिए भी है बराबर कि वो सब यहाँ से ठीक होकर ही गए, कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं था बराबर कि जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी हो और हमें तुरंत उसको शिफ्ट करना पड़ा हो। जी सर, जी सर। बराबर हमने क्या किया कि मैं मेरी ये पर्सनल राय है जी कि कोरोना में हमारी इम्यूनिटी जो कम होती है, जब अच्छी नहीं होती है बराबर, तो ये कोरोना वायरस हमें अफेक्ट ज़्यादा करता है। जी सर। तो मैंने ये हमारे सब पेशेंट को बताया बराबर, जो हमारे स्टाफ थे उन लोगों को बताया कि जो खाना है ना बराबर, जी सर, वो खाने की जो क्या बोलते हैं उसको, खाने की मात्रा थोड़ा बढ़ा दीजिए। जी बराबर। आप 3 बार खाते हैं तो 5 बार करवा दीजिए। ओके। बराबर। तो इससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जी सर। बराबर। और इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कोरोना अगर हुआ है तो बहुत ही इमीडिएटली आप उसको रिकवर कर पाएंगे। अगर नहीं हुआ है बराबर, तो आपको उसका असर नहीं होगा। करेक्ट। बराबर। तो यहाँ पे जितने भी 300 से ज़्यादा पेशेंट थे बराबर, करीबन कोई पेशेंट 15 दिन रहा, कोई पेशेंट 1.5 महीने तक रहा, सबको दवाइयाँ, खाना पीना सब हमने फ्री में यहाँ पे अवेलेबल करवाया है। वंडरफुल। और उसके साथ भी हमारा जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो तो चलता ही रहता है साथ में। करेक्ट। तो जो मैंने देखा है ना जी सर, तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अब ये जो थर्ड वेव है जी सर बराबर, वो ना आए तो अच्छा है। फिर भी थर्ड वेव के लिए हमारी खुद के तो नर्सिंग कॉलेज है जी, और हमारा बेनिफिट ये है कि हमारी नर्सिंग कॉलेज में करीबन 450 तक ट्रेनी स्टूडेंट है जी बराबर, करीबन नर्सिंग का, और फिजियोथेरापी कॉलेज भी हमारी है जी है, तो करीबन 75 तक तो हमारा ट्रेनी स्टाफ है। करेक्ट। बराबर। जो हर तरीके से ट्रेन है बराबर, सबको अगर कोरोना का थर्ड वेव आता है जी बराबर, तो क्या बिहेव करना है, क्या स्टेप लेने हैं, तो उनका 2 दिन का हमने एक ट्रेनिंग कैंप भी रखा था। ओके। बहुत अच्छी तरह से वो ख़त्म भी हो गया बराबर। ऑक्सीजन के लिए भी हमने सोच रखा है कि अगर थर्ड वेव आएगा तो 20-25 पेशेंट को ऑक्सीजन हम यहाँ से ही प्रोवाइड कर सके। करेक्ट। बराबर। कि अगर वही दिक्कत जो सेकंड वेव में जो दिक्कत आई थी कि उन लोगों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिला था बराबर, तो ये थर्ड वेव में ऐसी दिक्कत उन लोगों को ना आए और अच्छी तरह से उनको ऑक्सीजन भी मिल जाए। करेक्ट। तो थर्ड वेव के लिए हम तो रेडी है। करेक्ट। बराबर। लेकिन भगवान से दुआ जी जी बराबर कि थर्ड वेव नहीं आए तो बेहतर रहेगा। करेक्ट। सर, आपने अपने मैनेजमेंट की बात की, अपने कमिटी की बात की, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स की बात आपने की, तो आप लोगों की मीटिंग्स होती है, फिर जितने भी कॉलेज है या स्कूल है प्रिंसिपल वगैरह के साथ मीटिंग होती है। अपने टीम के बारे में बताइए कि आपने अपने टीम को किस तरह से मोटिवेट करके रखा है कि इतना सिंक्रोनाइज होके काम हो रहा है आपका। वैसे तो मैं एक बात बताऊँ ना कि जो मेन जो मेरी टीम है ना जी सर, जो डायरेक्टर्स रिपन सोनी, जस्टिन चौहान, श्रुति पटेल, सचिन दवे बराबर, कमलेश रोहित सर, तो दोपहर का खाना वो लोग मेरे साथ ही लेते हैं जी। तो पूरे दिन की जो भी दिक्कतें हमें आती है बराबर, उसकी डिटेल में चर्चा वहीं पे हो जाती है, खाने के साथ ही हो जाती जी, है जी जी बराबर। उसके बाद करीबन 3:45 के बाद सब स्टाफ और बच्चे घर को निकल जाते हैं जी, स्कूल और कॉलेज ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो लोग मेरे साथ बैठते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जी बराबर, उसके लिए हम बहुत ही सीरियस मोड पे उस प्रॉब्लम क्यों हुई और हम क्या स्टेप ले तो ये दोबारा ना हो पाए। करेक्ट। तो प्रॉब्लम तो होती रहती है, लेकिन जो हमारा जो हम सोच रहे हैं ना वही है, ये है कि आज ये प्रॉब्लम हुई है जी, अगली बार ना हो पाए। करेक्ट। बराबर।
तो हमारा गोल यही रहता है, इसके वजह से हम लोग बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। करेक्ट। मैंने एक बार जो डायरेक्टर सर है रिपिन सोनी सर है, मैंने उनसे एक बार कॉन्वर्जेशन किया किस तरह से वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं। राइट। तो उस हवाले से मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर, जो स्टूडेंट है उनको आप कैटेगराइज करते हैं, कितने मेहनत हमें करनी है किस स्टूडेंट पे, राइट? हाँ। तो उस हवाले से ये जो मतलब प्लान बनाया आपने, ये कहाँ से आपके माइंड में आया? क्योंकि जनरली सर, मैं क्यों पूछना चाहता हूँ, जनरली बाकी स्कूल में क्या होता है कि एक क्लासरूम है उसमें सभी बच्चे हैं, ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं बताऊँ आपको कि मैं पहले करीबन 96 से बच्चों को पढ़ा रहा था जी, ट्यूशन क्लासेस में चलवा रहा था, बराबर चला रहा था मैं। तो उसी टाइम पे कई बार मैंने ये देखा है कि मेरा खुद का सब्जेक्ट तो मैथ्स था, अगर 12 की कोई क्लास की मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो किसी बच्चे ने अगर कोई अगरा क्वेश्चन कर दिया और मैं अगर उसको सॉल्व कर रहा हूँ, वो बच्चा उसके साथ पढ़ रहा है जी, बराबर, तो बाकी क्लास के सभी बच्चे, बराबर, तो सभी बच्चों को वो पल्ले ही नहीं पढ़ रहा, क्योंकि वो उसका उसके लेवल का ही नहीं है, वो JEE और NEET का लेवल का है जी, बराबर। तो सब बच्चे वो बैठे ही रहते हैं, बराबर। अगर कोई कम मार्क्स लाने वाले बच्चे ने कोई क्वेश्चन कर दिया तो वो बहुत ही सीली होता है, बराबर, जिसमें वो हायर रैंक वाले बच्चों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। करेक्ट। बराबर। अगर हम कोई बहुत ही अग्रा क्वेश्चन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी टाइम पे, बराबर, कम मार्क्स वाले जो बच्चे हैं उनका टाइम पास ही होता है, वो कुछ ही नहीं करते। करेक्ट। और ऐसा ही, बराबर, कोई बहुत ही सरल टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, किसी बच्चे ने पूछा और बताया, तो जो बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं जी, उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। करेक्ट। बराबर। तो कई बार, बराबर, लेक्चर में 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ये क्वेश्चन में कम मार्क्स वाले बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, बराबर। कभी 50% बच्चे ऐसे होते हैं, बराबर, कि जो बहुत ही JEE जैसा क्वेश्चन है तो कम मार्क्स वाले को इंटरेस्ट नहीं है। करेक्ट। तो उसी के कारण हम थोड़ा क्लास का मॉडिफिकेशन जब करते हैं ना, तो यही देख के करते हैं कि चलो ये बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो उसको उसी की तरह उसको पढ़ाया जाए। करेक्ट। बराबर। और करीबन जो बच्चा, बराबर, मैथ्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, बराबर, 35 या 40 लाता है जी सर, बराबर, तो अगर उसको सही ढंग से काम करवाया जाए, उसके लेवल पे काम करवाया जाए, उसके लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनको दिए जाए, बराबर, तो डेफिनेटली वो 40 से अप हो गए 60-65 तक पहुंच सकता है। करेक्ट। बराबर। एब्सोल्युटली। और इसमें हमें रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिलता है। ट्रू ट्रू ट्रू। और यही हमारी स्ट्रेटेजी है। राइट सर। यही आंसर मुझे रिपिन सोनी सर ने दिया, एंड यहाँ से भी यही पता चलता है कि आपकी जो टीम मैनेजमेंट है वो कितनी स्ट्रांग है। राइट सर। जहाँ तक हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में और किस किस सेगमेंट में आप जाना चाहते हैं? जैसे कि फिजियोथेरेपी ऑलरेडी है, अपने न्यूक्लियर साइंस कॉलेज की बात की, और क्यों सा ऐसा विषय है जिसमें आप एस्टैब्लिशमेंट करना चाहते हैं? वैसे तो मैंने आपको बताया कि मेरी जो लड़की है वो मेरा भतीजा, मेरी भतीजी जी, सब मेडिकल फील्ड में है, तो शायद 2-4 साल के बाद मेरा यही गोल रहेगा जी जी, कि हम मेडिकल फील्ड में आगे बढ़े जी, बराबर, और बच्चा जो न्यूक्लियर में है जी, बराबर, उसको भी ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर कॉलेज में हम आगे बढ़े जी, बराबर। सो अभी तो एजुकेशन के सिवा हमारा कोई गोल नहीं है, हम जो भी करेंगे एजुकेशन में ही करेंगे। आयुर्वेदिक कॉलेज है, होम्योपैथिक कॉलेज है जी, मेडिकल कॉलेज है जी, और ये न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है इसमें। राइट। एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का कॉम्पिटिटर कौन है?
हम खुद ही नॉलेज के नॉलेज का कंपटीशन हम खुद ही है। वैसे तो बताए तो सब सब स्कूल अच्छा ही काम करते हैं। जी सर बराबर। हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। जी सर बराबर। हम तो यही सोचते हैं कि बच्चों को ढंग से पढ़ाया जाए। जी बराबर। साथ में वो भारत के बहुत अच्छे नागरिक बने। जी अपने माँ बाप का ख्याल रखे। जी बराबर। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिले फ्यूचर में वो सही तौर से उसका पालन करें। करेक्ट। बराबर। वंडरफुल सर। ये भी मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने बहुत ही टेक्निकल आंसर दिया इस क्वेश्चन का। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आनंद में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जहाँ तक हम एटलीस्ट इंडिया की बात करें तो एजुकेशनल हब आनंद में है। सही बात है। सही बात है। राइट सर। सही बात तो है। ऐसे सिचुएशन में नॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? नॉलेज के पास ऐसा क्या है जो बाकी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है? वैसे तो सभी के पास सब कुछ है। जी बराबर। सब अपनी ढंग से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये आपने बताया कि ये साक्षर भूमि, यहाँ पे पूज्य भैकाका जी, जी बराबर, सी एल पटेल जी, जी सर जी, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। एब्सोल्युटली बराबर। वैसे तो हम यही सोच रहे हैं कि जो सी एल पटेल जी सर जी है, भैकाका जी है, बराबर, जो उनका प्रोपोगंडा था वही को हम आगे ले जाए। Absolutely. उसी ढब से हम काम करें। Sure. बराबर। क्योंकि जब ये वल्लभ विद्यानगर का सोच पूज्य भैकाका के दिमाग में आया होगा। बराबर। तो जो विजन से उन्होंने ये सोचा होगा, बस हम यही सोचते हैं कि उसी विजन से हम आगे बढ़े। और शायद मेरा मानना ये है कि यहाँ की सारी इंस्टीट्यूशन जो भी है, जी, जितनी भी है, जी, बराबर, सभी का सोच यही है। करेक्ट। और सभी एक सोच होकर ही आगे बढ़ रहे हैं कि हमें बच्चों का अच्छा करना है। बस। करेक्ट। एक और क्वेश्चन मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि जहाँ तक हम बात करें कि पढ़ाई के बारे में आपने बहुत ही डिटेल में बताया किस तरह से आप कंसर्न रखते हैं स्टूडेंट के लिए, तो जहाँ तक हम खेल कूद की बात करें, स्पोर्ट्स की वगैरह की बात करें, या कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें, यूथ फेस्टिवल की बात करें, उस पर आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है? बहुत सच्ची बात आपको बताऊँ तो करीबन 1-8 तक जी हम ये जो अदर एक्टिविटी है एजुकेशन के साथ वो करवाते हैं। जी बराबर। किसी को अगर स्केटिंग करना है, बराबर, वॉलीबॉल करना है जी, कराटे करना है, डांसिंग करना है, सिंगिंग करना है, तो 1-8 तक हम वो प्रोवाइड करते हैं जी। और उसके बाद बराबर हमारा जो फोकस है जी 9-12 जी पूरा एजुकेशन पे ही रहता है, पढ़ाई पे ही रहता है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो जिसको इंटरेस्ट है ना जी, वो तो स्कूल के बाद भी उसका मम्मी पापा उसको ले जाएगा और ये अदर एक्टिविटी है वो करवाएगा। करेक्ट। बराबर। जी जी। जो मेरा गोल है कि बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना है जी, तो हम यही सोचते हैं कि 9-12 का जो बच्चा है जी, बराबर, उनको तो अगर अच्छी तरह से पढ़ाई मिल जाए जी, बराबर, तो उसके फ्री टाइम में, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है बराबर, उसमें तो 1.5 या 2 महीने तक का समर वैकेशन मिलता है। एब्सोल्युटली। बराबर। तो उसमें वो अदर एक्टिविटी कर सकता है। करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट सर। सर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो COVID-19 का पीरियड चल रहा है, एक डिफिकल्ट फेज है स्पेशली एजुकेशन सिस्टम के लिए, ऐसे सिचुएशन में न आनंद के लिए बल्कि गुजरात और पूरे भारत के लिए एजुकेशन का क्या मैसेज है? बस मुझे मेरा तो मैसेज यही है कि जो कोरोना टाइम जी, बराबर, तो कई स्कूल के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, बच्चे जो है उनके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि उन लोगों को सही मायने में एजुकेशन मिले। बराबर। जब 75 डेज तक पूरा भारत बंद था, पूरे भारत में लॉकडाउन था जी, उसी टाइम पे हमने हमारा एजुकेशन चालू रखा जी,
उस टाइम में मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट्स थे, जितने भी लोगों को मैं जानता था, जितने स्कूल के प्रिंसिपल को मैं जानता था, स्कूल के ट्रस्टी को जानता था, ऐसे करीब मैंने 200 से ज़्यादा स्कूल में जो उन टाइम कुछ नहीं कर पा रहा है, तो हमने हमारी जो एजुकेशन स्टूडेंट थे वो उनको भेजी थी, साथ में रिक्वेस्ट लेटर भी भेजा था कि अगर आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब ताकि आपके बच्चों का एजुकेशन ना ही रोका जाए ना ही अटका जाए, मतलब तो मेरी तरफ से तो हमने पूरा ट्राई किया था। अभी जो थर्ड वेव आने वाली है, शायद आने वाली है, तो भगवान से प्रार्थना है कि ये ना आए, बराबर। और अगर ऐसी दिक्कत आएगी तो हमारे लिए ये थोड़ी उतनी परेशानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अभी भारत की जितनी भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, बराबर, उनको पता चल गया है कि हमें किस टाइम पे कैसे काम करना है, बराबर, इसको कैसे करना है, बराबर। तो मैं ये मानता हूँ कि तीसरी लहर में जो फर्स्ट लहर और सेकंड लहर में जितनी दिक्कतें आई थी, उतनी दिक्कत इस बार नहीं आई। और मेरा मैसेज ये है कि गवर्नमेंट भी, बराबर, बहुत अच्छी तरह से ट्राई कर रही है, बराबर, और जो नेशनल चैनल्स हैं, बराबर, वो चैनल अगर एक घंटा, दो घंटा या तीन घंटा, बराबर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम, अच्छे अच्छे जो स्कूल है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, बराबर, कई सारे स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं, कई इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छे हैं, तो अगर ये जो राष्ट्रीय चैनल है, प्रादेशिक जो हमारे गुजराती चैनल्स है, बराबर, अगर दो घंटे या तीन घंटे, बराबर, 8th, 9th, 10th और 11th के लिए बच्चों के लिए अगर तीन घंटे का स्लॉट रख दें, बराबर, जो अच्छे लेक्चर्स हैं, बराबर, उसको दिखाए, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, बराबर। बच्चा मोबाइल की बजाय टीवी पर पढ़ पाएगा, आजकल सपोर्ट वो भी पे कर पाएगा, बराबर। और एग्ज़ाम होती है नहीं होती है, मास्टर प्रमोशन मिलता है नहीं मिलता, लेकिन जो नॉलेज बच्चों को मिलनी चाहिए, बराबर, वो बहुत अच्छी तरह से उन लोगों को मिलेगा, बराबर, तो ही, बराबर, बच्चा आगे जाकर वो जो भी फील्ड में जाएगा अच्छा कर पाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि ये COVID-19 के रिलेटेड ही है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो एजुकेशन को बहुत लाइटली लेते हैं। सही बात है। स्पेशली जो कोविड का पीरियड है, ऑनलाइन है, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? वैसे तो बच्चों के लिए मैसेज नहीं है मेरा, ये मैसेज उनके मम्मी पापा के लिए है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, प्लीज़ मेरा ये मैसेज याद रखना कि जो आपका बच्चा है वो आपको 50,000 से 1,00,000 तक सैलरी मिलती है, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो 25,00,000 से 1,00,00,000 तक का आपको मुनाफा होता है, लेकिन जो आपका बच्चा है, बराबर, वो लाखों का नहीं है, वो करोड़ों का नहीं है, वो अबजों का है, बराबर। सो उसको अगर अच्छी तरह से, उसको अच्छा बच्चा बनाना है, अच्छा नागरिक बनवाना है, बराबर, तो उसको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। करेक्ट। कई माँ बाप ऐसे होते हैं कि जो ये सोचते हैं कि मैंने, चलो ये लॉकडाउन आ गया और मैं 40,000 का मोबाइल लेके आ गया हूँ और मेरे बच्चे को मैंने दे दिया है, बराबर, अब वो अपनी तरह से जो लेक्चर से वो देख लेगा, वीडियो देख लेगा, नहीं, ये बात गलत है। उसने कितनी, बराबर, कितने टाइम तक, बराबर, लेक्चर देखे हैं, वो क्या पढ़ा है, वो हर रोज़ आपको देखना चाहिए, बराबर, समझना चाहिए, उसके स्कूल टीचर का रेगुलर कांटेक्ट करना चाहिए, बराबर। बच्चे के पास मोबाइल होता है तो ऑनलाइन एजुकेशन में एक बहुत ये अच्छी बात ये है कि बच्चा अपने घर पे बैठ के
बराबर अपनी मम्मी या नानी नाना के पास के दादा दादा की पास दादा और दादी के पास रह के वो पढ़ सकता है बराबर, उसको स्कूल में आने की इंस्टीट्यूट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो टाइम उसका बचता है जी, बस ये होता है। लेकिन दिक्कत ये भी है बराबर कि उसी मोबाइल में वो व्हाट्सअप यूज़ कर सकता है, फेसबुक यूज़ कर सकता है, अपने दोस्तों को मैसेज भेज सकता है बराबर। जो बड़े बच्चे होते हैं वो कई पॉइन वीडियो क्लिप भी शेयर करते हैं, वो भी देखते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल नहीं करेंगे तो शायद आपको बराबर ये सोच लेना चाहिए कि ये आपके बच्चे के आपके बच्चे से ही आप बुरा कर रहे हैं, बहुत ही बुरा कर रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि सिर्फ पैसा देने से या बाइक देने से या मोबाइल देने से बराबर आपकी जो फर्ज है वो पूरी नहीं होती बराबर। हर टाइम हर दिन हर मिनट का हिसाब अपने बच्चे से लेना चाहिए, देखना चाहिए बराबर। और लेक्चर भी अभी तो ऐसे ऐसे टूल्स किट मोबाइल पे भी होते हैं बराबर, कि अगर आप चाहे तो उसने क्या किया पूरे दिन में मोबाइल में क्या किया जी, वो मम्मी पापा देख सकते हैं करेक्ट बराबर। अगर बच्चा उसका मिसयूज करता है तो उसको डांटिए बराबर, उसको प्रेम से समझाइए जी जी कि ये गलत है, तुझे यही करना है बराबर। डेफिनेटली आपका बच्चा अच्छा ही है, वो आपकी बात मानेगा, वो रुक जाएगा करेक्ट और सीधे रास्ते पे वो आ जाएगा, लेकिन आपको ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली। इसी के साथ सर मैं आपका एक बार फिर से हाईली ग्रेटिट्यूड करना चाहता हूँ। डियर व्यूवर्स, हमारे साथ जुड़े थे नॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन श्री राजेश चौहान सर हमारे प्रोग्राम द ग्रेट टॉक में। हम राजेश सर का तहे दिल से एक बार से फिर से थैंक यू कहना चाहते हैं कि वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। थैंक यू। और आपके फ्यूचर एंडिवर्स के लिए हम ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं। थैंक यू अगेन। थैंक यू।